first incident से ही ड्रॉप द पिक्चर हैमर एंड नेल. उन्होंने क्या किया, पिक्चर को भी गिरा दिया, नेल को भी गिरा दिया और हैमर को भी गिरा दिया. तो यहाँ पे क्या है, क्लमजी है, मतलब उनके किसी भी काम में सफाई नहीं है, फिनिशिंग नहीं है, वो अच्छे से कोई काम कर नहीं सकते. तो क्लमजी हैं, अपने में ही मिक्स हो जाते हैं वो उनके दिमाग में इतने सारे एक साथ चीज़ें चलती हैं कि वो एक भी काम को एक्यूरेटली नहीं कर पाते हैं. राइट, क्लमजी. ओके, नेक्स्ट जो आपका इंसिडेंट है वो है, ही टुक ऑफ हिज कोट एंड डिड नॉट नो दैट ही वॉज सिटिंग ऑन इट. उन्होंने क्या किया, ही रिमूव हिज कोट एंड सिट ऑन हिज कोट. तो यहाँ पे फॉरगेटफुल की बात आती है कि वो भूल चुके थे कि वो किस पे बात बैठे हुए हैं, वो कोट पर बैठे, दैट ही सिटिंग ऑन हिज कोट. थर्ड जो इंसिडेंट है वो कहता है कि एंड ही वुड टेक द रूल एंड मेजर अगेन एंड फाइंड दैट ही वॉन्टेड हाफ ऑफ 31 3/8 inches फ्रॉम द कॉर्नर एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड. तो यहाँ पे जो बात आ रही है पूरी तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड की बात आ रही है, क्योंकि वहाँ पे वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि पहले क्या था, अभी क्या है, अभी जो मेजरमेंट्स वो ले रहे हैं एक्चुअली वो सही हैं कि नहीं. सो यहाँ पे जो आप एडजेक्टिव यूज़ करेंगे दैट इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड. राइट, ओके. नेक्स्ट जो इंसिडेंट है वो है, He shouted at all the children for not being to find the coat when he was sitting on it himself. तो ये इंसिडेंट कहता है कि वो सब बच्चों पर चिल्ला रहे थे, किस लिए, क्योंकि वो एबल नहीं थे अपने कोट को फाइंड आउट करने के लिए. तो कोट किसने रखा था, कोट उन्होंने खुद रखा था. और कोट पर बैठा कौन था, who was sitting on the coat, तो कोट पर वो खुद जो है अंकल पॉटर बैठे हुए थे. तो यस ऑफ कोर्स ही इज अ केयरलेस पर्सन, वो क्या है, एक केयरलेस पर्सन. राइट, ओके. नाउ अनदर हम सिचुएशन को या इंसिडेंट को देखते हैं. नेक्स्ट इंसिडेंट इज, ही सेंट द मेड टू गेट नेल्स विदाउट टेलिंग व्हाट साइज. तो यहाँ पे जो बात आ रही है कि आप किसी व्यक्ति को और यू आर टेलिंग समथिंग टू सम पर्सन, राइट, लेकिन आप इतने पेशेंट या इम्पेशेंट हम बोल सकते हैं, आप इतने इम्पेशेंट हैं दैट यू आर नॉट टेलिंग द थिंग्स कम्प्लीटली टू अ पर्सन. आधी बात इसे बताएं एंड देन आधी बात दूसरे को बताएं. हियर द एडजेक्टिव विल बी यूज्ड इज इम्पेशेंट. राइट, ओके. नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा इंसिडेंट है दैट इज, ही सेड इवन कैट कैन फाइंड थिंग्स दैट हिज फैमिली कैन नॉट. वो ये कहना चाहते हैं कि एक बिल्ली भी चीज़ों को ढूंढ सकती हैं बट उनके फैमिली मेम्बर्स इन चीज़ों को नहीं ढूंढ सकते. तो हियर वॉज ब्लेमिंग अदर्स, ठीक है. तो यहाँ पे जो आप एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, यूज़ ब्लेम अदर्स. नाउ ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. लेट्स मूव टूवर्ड्स द वोकैबुलरी सेक्शन ऑफ दिस लेसन. ओके, कमिंग टू द वोकैबुलरी सेक्शन, द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. चलिए जल्दी से रीड करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज, इन द सेंटेंस गिवन बिलो द अंडरलाइन फ्रेजेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन वर्ड. ओके, राइट मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस इन स्पेस प्रोवाइडेड. सो एज यू कैन see on your screen that there is a table given over here, okay, and the table is divided into two sections. First one is underlined phrases section and the second part is all about one word substitute. So okay, we'll read the sentences and find out the one word substitute for the underlined phrases. So first sentence is, a new picture would come and would be standing in the drawing room waiting to be put up. So to be put up ko hum kahenge hung up, theek hai. To be put up, put up matlab usko latkane ke liye, to uske liye ek word hai, that is hung. Okay, now ye ek example aapko karke dikhaya hai ki in this way you have to solve the questions. To aaiye baki ke rest of the sentences ko hum kya karte hain, we'll try to find out the one word for the phrases. Let's begin. Okay, now the second sentence is, and then he would take off his coat and begin. As I told you earlier that take off means to remove. आप यहाँ पे
टेक ऑफ के फ्रेज को रिमूव से रिप्लेस कर सकते हैं. तो जो सब्स्टिट्यूट वन वर्ड होगा उसका रिमूव यूज कर सकते हैं, आर ई एम ओ वी ई. ओके नेक्स्ट, यू कांट फाइंड अ कोड दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो. पुट डाउन मतलब इस सेंटेंस की मीनिंग समझेंगे तो अपने आप आपको इमेजिन करना शुरू कर देंगे. आप सेंटेंस कहता है तुम उस कोड को नहीं पा सकते जो अभी अभी मैंने नीचे रखा है 5 मिनट पहले. तो हम रखा है कैप्ट यूज़ करते हैं इसके लिए, के ई पी टी. क्या यूज़ करते हैं? कैप्ट यूज़ करते हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. वी वुड हैव टू गो डाउन ऑन अवर नीज एंड लुक फॉर इट. हमें क्या करना पड़ेगा? अपने नीज पर बेंड होना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा. लुक फॉर इट, अब कुछ चीज़ हम खोज रहे हैं उसके लिए क्या हम वर्ड यूज़ करते हैं? सर्च. इंग्लिश में सर्च एक वर्ड है, एस ई ए आर सी एच. ओके सो सर्च इज द वन वर्ड विच विल सब्स्टिट्यूट द फ्रेज. ओके नेक्स्ट सेंटेंस, आई नेवर केम अक्रॉस सच पीपल इन माई होल लाइफ. केम अक्रॉस मेट, राइट, मैं कभी ऐसे लोगों से नहीं मिला, जो अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से नहीं मिला, राइट. तो केम अक्रॉस को हम किससे रिप्लेस करेंगे? मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट, एम ई टी मेट, राइट. ओके ओह यू कैन गिव इट अप, आई फाउंड इट ऑल बाय माई सेल्फ. तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि तुम रहने दो, ठीक है, तुम इसे इस काम को रहने दे सकते हो, मैंने अपने मन से ढूंढ लिया है, और या मैं अपने मन से कर लूँगा, ठीक है, या मैं खुद कर लूँगा कह सकते हैं. तो गिव इट अप को आप कह सकते हैं स्टॉप, ठीक है, स्टॉप डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स और सम काइंड ऑफ थिंग्स. तो एस टी ओ पी स्टॉप यूज़ करेंगे एंड दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड दिस पार्ट ऑफ वोकैबुलरी. ओके Now after completing the vocabulary section, next move toward the grammarization. देखिए आप अपनी book में you'll find out that you have to express the habitual actions and the states in the past. Now habitual actions क्या होते हैं? What do you mean by habitual actions? ऐसे action जो हम करते हैं, right? ऐसे action जो हम पहले करते थे या अभी भी कर रहे हैं, तो वो action क्या कहलाएंगे? Habitual actions. और स्टेट्स इन द पास्ट, जो हम पहले कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ हम पहले करते थे, दैट इज़ स्टेट्स इन द पास्ट. तो यहाँ पे हम दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वुड एंड यूज़ टू. जैसे कि आप पूरे लेसन में यू विल फाइंड आउट दैट वुड बहुत जगह यूज़ हुआ है या काफ़ी जगह वुड का यूज़ हुआ है. तो वुड कैन बी रिप्लेस्ड बाई यूज़ टू, ठीक है. देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू कैन गो थ्रू इट. लेट्स रीड अ टेबल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ यूज टू एंड वुड एंड ऑल्सो हैबिचुअल एक्शन एंड हैबिचुअल स्टेट. वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो चलिए हम चलते हैं उस टेबल की ओर और उस टेबल के थ्रू सेंटेंस रीड करेंगे एंड वील फाइंड टू अंडरस्टैंड और विल अंडरस्टैंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम और ये कहाँ क्या चीज़ लगती है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके राइट सो दोनों बोथ यूज टू एंड वुड दोनों का यूज़ हम किस लिए करते हैं? हैबिचुअल एक्शंस के लिए करते हैं, राइट. और वुड जो है कैन नॉट बी यूज टू शो स्टेट्स इन द पास्ट, ठीक है. लेकिन वुड जो है वो पास्ट में जो स्टेट्स हैं उनको शो नहीं कर सकता, जबकि यूज टू इस काम को कर सकता है. तो आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स, राइट. सो यहाँ पे दो टेबल आपको दिए हुए हैं. फर्स्ट टेबल कहता है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, बोथ वुड एंड यूज टू कैन बी यूज, और हैबिचुअल स्टेट्स इन द पास्ट वुड कैन नॉट बी यूज, राइट. तो पहले जो हम राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है वुड प्ले ऑल डे एज अ चाइल्ड, खेल सकते हैं पूरे दिन एज अ चाइल्ड. यूज टू प्ले ऑल डे, खेलते थे, पहले की बात है, एक्शन स्टेट, राइट. अगर हम यही यूज टू यूज़ कर लेते हैं तो यूज टू प्ले ऑल डेज
है ना, जब हम बच्चे थे तब हम बहुत खेला करते थे, अभी हम यूज़ कर रहे हैं वुड, तो वुड प्ले ऑल डेज एज अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह हम पूरे दिन खेल सकते हैं या खेल सकते थे. ओके नेक्स्ट, वुड गो टू माई ग्रैंड मदर हाउस एवरी डे, जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ग्रैंड मदर हाउस एवरी डे, हर दिन अपने दादी माँ या नानी माँ के घर जा सकते हैं. ओके उसके बाद, वुड राइड माई ट्राई साइकिल एवरी इवनिंग, मैं अपनी ट्राई साइकिल को हर शाम को चला सकती हूँ. ओके वुड नॉट गो आउट इन द डार्क, अंधेरे में जा नहीं सकती. सो दिस इज द यूज ऑफ वुड. ठीक है, अभी पास्ट टेंस में चल रहा है और ये हैबिचुअल एक्शंस हैं, राइट. यहाँ पे हम वुड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन वुड को रिप्लेस कर सकते हैं यूज टू से. हम ऐसा भी कह सकते हैं यूज टू प्ले ऑल डे एज अ चाइल्ड. ठीक है, बचपन में क्या करते थे, जब छोटे थे हम बहुत खेलते थे. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ समय पहले बच्चों की तरह हम खेलते थे. ओके हम फिर नेक्स्ट सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, यूज टू गो टू माई ग्रैंड माज हाउस एवरी डे, पहले आदत थी कि हम जाते थे. ओके और भी कह सकते हैं, यूज टू राइड माई ट्राई साइकिल एवरी इवनिंग, पहले करते थे बट अभी नहीं कर रहे. ओके और यूज नॉट टू गो आउट इन द डार्क, और मैं पहले नहीं जाती थी. ठीक है, या मैं नहीं जाना कभी पसंद करी, मुझे डर लगता, वॉट एवर द रीज़न मे बी. ओके अब नेक्स्ट पार्ट या लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को देखते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है. हैबिचुअल स्टेट्स इन द पास्ट वुड कैन नॉट बी यूज हियर. ओके यूज टू लिव इन द विलेज, वो विलेज में रहते थे. ओके यूज टू बी वेरी नॉटी, यूज टू लव माई ग्रैंड मदर, यूज टू हैव टू कैट्स, used to believe in ghost and used to sleep in the afternoon. Okay, verbs like play, go, ride are action words. ठीक है, verbs like be, love, have, believe and leave show states. तो यहाँ पर जो है there are continuous, not habitual. Okay, तो हमने देखा, here we found that हम कहाँ would और used to का साथ में use कर सकते हैं और कहाँ हम केवल used to का use करेंगे और वुड का यूज़ नहीं करेंगे. तो जब हम हैबिचुअल एक्शन वर्ड्स या हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट की जब बात करते हैं, तब वहाँ पे हम बोथ वुड और यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं. बट जब हम हैबिचुअल स्टेट्स की बात करते हैं इन द पास्ट, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ टू का ही यूज़ करेंगे और किसका यूज़ नहीं करेंगे, वुड का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे. आइए कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और उसको अच्छे से और जानने की कोशिश करते हैं. ओके बिफोर प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज, चलिए हम वुड को समझने की कोशिश करते हैं कि वुड का इस्तेमाल या वुड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. वी यूज़ वुड एज अ पास्ट टू विल, है ना, विल का हम पास्ट टेंस क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं. टू डिस्क्राइब पास्ट बिलीव्स अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर के बारे में जो पास्ट बिलीव्स हैं उसके बारे में हम जब बातें करना चाहते हैं तब वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं, राइट. हमने पूरे लेसन में देखा कि क्या कि पिक्चर वहाँ पे रखी थी, वहाँ पे भी वुड का यूज़ हुआ था और पूरे लेसन में कई जगह वुड का यूज़ हुआ है. तो यहाँ पे ऑथर जो बताना चाह रहे हैं कि वुड का यूज़ जो है इस तरीके से कर सकते हैं, और उन्होंने वुड का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है. साथ ही साथ यहाँ पे वुड हम कैसे यूज़ करेंगे हम उसको भी देखेंगे. ओके जो वुड है उनको किन किन जगहों पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, जब हम एडवाइस देंगे तब वुड का यूज़ करेंगे, जब हम इमेजिन करेंगे उस समय हम वुड का यूज़ करेंगे, जब हम रिकमेंड करेंगे किसी चीज़ को उस समय हम वुड का यूज़ करेंगे, जब हम बोलेंगे हम से करेंगे या सजेस्ट करेंगे उस समय हम वुड का यूज़ करेंगे. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. तो वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एडवाइस यू टू कीप वर्किंग ऑन योर संडेज, एक ये भी बोल सकते हैं. या फिर हम कह सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव सम टी. ओके आई वुड लाइक टू रिकमेंड हिज नेम फॉर सच काइंड ऑफ जॉब. और हम ऐसा भी कह सकते हैं
कि आई वुड से दैट यू आर अबाउट 30. हम यहाँ एज की सीख बता रहे हैं, तो हम वुड का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वुड. अब आपकी बुक में जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप प्लीज़ उनके थ्रू उनसे गो थ्रू हो जाइएगा. प्लीज़ रीड दोज एग्जाम्पल्स, राइट. और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की ओर, जहाँ पर हम वुड और यूज टू दोनों का यूज़ करेंगे. जैसे कि हमने जान लिया है कि हैबिचुअल एक्शन में यूज़ टू और वुड दोनों यूज़ होगा, बट हम जैसे ही हैबिचुअल स्टेटस की बात करते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड का यूज़ नहीं होगा. तो आगे चलिए देखते हैं एक्सरसाइज और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज ईदर यूज़ टू और वुड. बोथ आर पॉसिबल, यूज़ वुड. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वहाँ पे आपको यूज़ टू या फिर वुड का इस्तेमाल करना है, और अगर दोनों ही पॉसिबल हैं तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इट कि वहाँ पे आप वुड का यूज़ करें. चलिए, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, पास्ट टेंस में सेंटेंस चल रहा है, वॉज है, ठीक है. आई वॉज अ चाइल्ड, माई फादर, एक ब्लैंक स्पेस है, पिक मी अप एंड थ्रो मी इन द एयर. ठीक है, मैं जब बच्चा था तो मेरे फादर क्या करते थे, मुझे उठाते थे एंड वो क्या करते थे, मुझे थ्रो कर देते थे. तो यहाँ यूज टू और वुड दोनों यूज सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्शन है क्योंकि है, राइट. तो यहाँ वुड का यूज़ करें क्योंकि दोनों यूज़ हो सकता है. तो आपके क्वेश्चन में दिया है कि जहाँ दोनों यूज़ हो सकता है वहाँ हमको क्या यूज़ करना है, वुड यूज़ करना है. अब आगे सेंटेंस देखते हैं. आई लव इट. लव इट जो है एक स्टेटस है या एक फीलिंग है, तो यहाँ पर जो है ये एक्शन नहीं है, राइट, हैबिचुअल एक्शन नहीं है. तो यहाँ पे यूज्ड टू का इस्तेमाल होगा, आई यूज्ड टू लव इट. सेकेंड सेंटेंस में चलते हैं. सेकेंड सेंटेंस कहता है माई अंकल हैव अ बाइसाइकिल. अगेन दिस इज नॉट एन एक्शन वर्ब, ठीक है. अंकल के पास एक बाइसाइकिल है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, यूज टू. वेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, ठीक है. ही डैश टेक मी फॉर अ राइड. अगेन टेक मी फॉर अ राइड इट्स एन हैबिचुअल एक्शन, राइट, कि उनकी हैबिट में थी कि मुझे वो क्या करते थे, उस साइकिल को राइड करने के लिए लेके जाते थे. तो यहाँ पे जब हैबिचुअल एक्शन की बात आ रही है तो हम अगेन यूज टू भी यूज़ कर सकते हैं एंड वुड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एज पर द क्वेश्चन क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे. ओके, फॉर ईयर्स आई डैश बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट. अगेन यहाँ फीलिंग है, इमोशंस हैं, कोई भी हैबिचुअल एक्शन नहीं है. तो अफ्रेड ऑफ घोस्ट है, तो यहाँ पे यूज टू यूज़ होगा. एज माई ग्रैंड मदर डैश टेल मी स्टोरीज ऑफ देम एवरी नाइट. यहाँ पे एक एक्शन वर्ड यूज हो रहा है कि क्योंकि मेरी दादी माँ मुझे हर रात भूतों की कहानी सुनाती थी, इसीलिए मैं भूतों से डरती थी. ओके, तो यूज टू बी अफ्रेड ऑफ गोस्ट, क्यों, क्योंकि माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी स्टोरीज, वो क्या करती थी, उनको भूतों की कहानी सुनाती थी. क्योंकि ये एक्शन अगेन है, हैबिचुअल एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन हम वुड का यूज करेंगे. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड अनदर सेंटेंस. ओके, आई डैश मीन्स फिल अप एरिया जो खाली है. ओके, बिकम कृष्णा ड्यूरिंग जन्माष्टमी. अगेन आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे दिस इज एन हैबिचुअल एक्शन वर्ड, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि आई वुड यूज़ करेंगे. ऑब्वियसली आई वुड बिकम कृष्णा ड्यूरिंग जन्माष्टमी एवरी ईयर इन द चाइल्डहुड. में हर साल क्या करते थे कि हर साल जन्माष्टमी में कृष्णा बनते थे. एंड एवरी ईयर आई डैश ब्रेक द मटकी. दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एक्शन वर्ब, अगेन यूज टू. ये एक जो है स्टेटस है, या हम कह सकते हैं हैबिचुअल स्टेट की बात कर रहे हैं, हम हैबिचुअल स्टेट है ये. ओके, फिर यहाँ पे यूज टू का यूज़ होगा. फिफ्थ जो सेंटेंस है, अगेन कहता है आई डैश नो मेनी सॉन्ग्स एज अ चाइल्ड. तो आई यूज टू नो मेनी सॉन्ग्स एज अ चाइल्ड, सो माई फ्रेंड्स वुड आस्क मी टू सिंग एवरी टाइम वी वर्क इन द फील्ड्स. यहाँ पे एक्शन वर्ड अगेन कहाँ गया, आस्क मी टू सिंग,
ठीक है, जैसे ही हैबिचुअल एक्शन वर्ड की बात आएगी या हैबिचुअल एक्शन की बात आएगी वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वुड यूज़ होगा। आगे सिक्स वन, व्हेन आई वाज फाइव आई डैश बी एबल टू डू इनक्रेडिबल स्टंट्स। मैं अलग अलग एकदम मस्त वाले स्टंट्स, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय है ना, ऐसे स्टंट्स करता था कि कोई विश्वास नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर जो है वुड अगेन यूज होगा क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। आई डैश क्लाइम एवरी टाइम इन नेबरहुड एंड स्विंग लाइक अ मंकी। तो दिस यहाँ पे हम यूज टू का यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्टेट है। तो आई यूज टू क्लाइम एवरी ट्री इन द नेबरहुड एंड स्विंग लाइक अ मंकी। Now let's practice one more exercise of used to and would very quickly. चलिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, there is a question given on your screen. Read the conversation and fill in the blanks with used or would. We used to describe states in the past and would to describe habits in the past. As I told you earlier, तो here is the conversation between Sahila and Shabana. Sahila: Hey guys, how about making biryani on Friday? Shabana: I'm not sure if biryani is such a good idea. Rajiv: But you used to love biryani. What happened? I remember that we would eat lot of it when your mother dash make it for Eid. तो अभी तक के कॉन्वर्सेशन में जो शाहिला है, she is saying that वो सबसे पूछती हैं कि इस फ्राइडे को हम क्या करते हैं, एक बढ़िया बिरयानी बनाते हैं, राइट। शबाना कहती हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि बिरयानी एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। तो राजीव जो तीसरा डायलॉग का मेंबर है वो कहता है, लेकिन तुम्हें तो बिरयानी बहुत पसंद थी, अब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, मतलब अब क्या हुआ? और मुझे जहाँ तक याद है कि हम बहुत बिरयानी खाते थे When your mother make it for Eid, ये जो है वो स्टेट है, habitual स्टेट करती थी, तो used to, right? Used to का use करेंगे, okay? अभी नहीं करती है, habitual action नहीं है अब ये, पहले करती थी, स्टेट है, okay? शबाना फिर से कहती हैं, I still do, but yesterday we had some and उसके बाद वो रुक जाती हैं। शबाना का कहना है, मैं अभी भी उसे बहुत पसंद करती हूँ और बीते हुए कल, यानी कल जो है वो हमने थोड़ी, इतना कहते हुए रुक जाते हैं। राजीव: ओके, आई सी, ओ हो, तो ये बात है। राजीव कहते हैं, वेल देन आई हैव अ बेटर आइडिया, लेट्स हैव अ पॉटलक पार्टी, आई विल प्रिपेयर सम कैबेज करी द वे मॉम डू इट। तो यहाँ पे राजीव कहते हैं, ओके, तो मेरे पास इससे भी एक बहुत बेटर आइडिया है कि चलिए पॉटलक पार्टी करते हैं और मैं कैबेज करी बनाऊंगा जैसे कि मेरी माँ बनाती है। तो अभी भी वो एक्शन होता है, ओके? तो जब एक्शन की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? यस, एग्जैक्टली, वुड यूज़ करते हैं हम। ओके, आगे रीड करते हैं। I dash like it a lot when I was a kid. यहाँ पे action word नहीं है, state का word है। तो I used to like it a lot when I was a kid. मुझे बचपन में बहुत पसंद थी, है ना? मुझे बहुत पसंद थी जब मैं बच्चा था, right? Okay. And Shabana can make some fried rice. वो also वो और उसमें add करते हुए कहता है कि और जो Shabana है वो क्या करेगी? Fried rice भी बनाएगी। तो साहिला कहती है, really? ओह रियली, मतलब वो इतनी खुश हो जाती हैं इसलिए वो रियली कहती हैं। और आई डैश हेट कैबेज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, बट नाउ आई लाइक इट, मे बी आई कैन प्रिपेयर सम खीर। तो वो ऐड करती हैं कि मुझे पहले कैबेज पसंद नहीं था। अगेन दिस इज़ अ स्टेट, तो जब स्टेट की बात करते हैं, हैबिचुअल स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे used to. I used to hate cabbage when I was a child, but now I like it. Maybe I can prepare some खीर. तो मैं, मुझे अब कैबेज पसंद है और शायद मैं थोड़ी खीर बना पाऊँ क्योंकि ईद है। तो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड दिस कॉन्वर्सेशन पार्ट एंड नाउ आई होप कि आप कहाँ यूज़ टू यूज़ करना है, कहाँ वुड यूज़ करना है,
वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रामर सेक्शन हम राइटिंग स्किल्स की बात पे आते हैं या राइटिंग स्किल्स के पोर्शन में आते हैं. सो ये यू कैन फाइंड अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू रीअरेंज द सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच अंकल पॉचर मेड मिस्टेक वाइल हैंगिंग द पिक्चर. तो अंकल पॉचर ने कौन कौन से मिस्टेक किए थे, हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है, क्या करते हुए वाइल हैंगिंग द पिक्चर. जैसे कि आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ये जो है एक सीक्वेंस में नहीं है, हैपसर्ड वे में है, तो वी विल पुट देम इन द सीक्वेंस. तो फर्स्ट सेंटेंस सेज ही लॉस्ट द हैमर, देन कमिंग टू द सेकेंड सेंटेंस दैट सेज ही ड्रॉप द नेल, फिर बात आती है ही फॉरगॉट वेयर ही हैड मेड द मार्क टू हैमर द नेल. ओके, फिर है ही ड्रॉप द पिक्चर, अगेन ही फेल डाउन विद मेजरिंग विद द स्ट्रिंग, अगेन ही ट्राइड टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ. ओके, चलिए अब इसके आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं. तो जैसे कि आप इफ़ यू रिमेंबर कि आपने जब एक्सप्लेनेशन सुना था तो उसमें आपने देखा कि फर्स्ट जो उन्होंने पिक्चर को गिरा दिया था, तो फर्स्ट वन इज़ ही ड्रॉप द पिक्चर, सेकेंड वन इज़ जब उन्होंने उसको सेव करने की कोशिश की सो ही कट हिमसेल्फ, है ना, तो ही ट्राइड टू सेव द ग्लास एंड ही कट हिमसेल्फ, दिस इज़ द सेकेंड वन. थर्ड वन होता है कि ही ड्रॉप द नेल, देन ही ड्रॉप द हैमर और ही लॉस्ट द हैमर. उसके बाद होता है ही फॉरगॉट वेयर ही हैड मेक द मार्क टू हैमर द नेल, ठीक है, मार्किंग भूलने के बाद बात होती है कि ही फेल डाउन वाइल मेजरिंग विद द स्ट्रिंग, जैसे ही वो स्ट्रिंग से नापने जाते हैं वो मेजर नहीं कर पाते और वो थोड़ा सा वो डिसबैलेंस हो जाते हैं एंड देन ही फेल डाउन. सो दिस इज द सीक्वेंस और दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द लेसन. नाउ अगेन देयर इज अ राइटिंग स्किल. Now write a paragraph based on these sentences using linkers given in the box below. Let's read what are the linkers. Linkers first, then next, after that, also finally. तो चलिए जल्दी से हम एक paragraph prepare करते हैं इन words को लेकर. Uncle Podger made a lot of mistakes while trying to hang the picture. First, he ordered everyone to bring the tools required to hang the picture and then drop it. Next, he asked everyone to look for his jacket and found it sitting on it. Then, he made everyone stand around him and help him hanging the picture. After that, his clumsiness grew and dropped nail hammer. Also, he lost the sight of the mark made for hanging the picture. Then, he would make everyone stand and measure again to measure it. Finally, he decided to try string and could not reach it and fell on the piano. Now, the another question of the same lesson, dekhte hain. Now, look up a dictionary and find out what the italicized word in the following sentence from the story Uncle Podger hangs a picture mean. Simple सी चीज़ है, आपको कुछ sentences, there are few sentences given on your screen, वहाँ पर जो sentences italicized में या italic में लिखे हुए हैं you have to find a meaning for it, ठीक है. Let's read the sentences and find out the meaning of those italicized sentences or words, right? Okay, I shall want you to hand me up the picture. Hand me up, यहाँ पर आप देख रहे हैं italicized में लिखा हुआ है, तो इसका meaning होता है to help someone in climbing, ठीक है, to help someone in climbing, ये sentence के perspective में है. Okay, ओके, या आप लिख सकते हैं टू हेल्प समवन भी कह सकते हैं, राइट. ओके, एंड सेकेंड सेंटेंस इज एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर, या लिफ्ट अप को आप इटैलिक में देख सकते हैं. सो लिफ्ट अप मीन्स रेज, रेज आर ए आई एस ई. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल द अदर थिंग्स ही हैड आस्क्ड फॉर. लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर देख रहे हैं, मैंने आपको
जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पे भी एक वर्ड बताया था सर्च, SEARCH सर्च, ठीक है। तो ये वर्ड भी लुकिंग फॉर के लिए यूज़ होगा, और लुकिंग फॉर को हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सर्च से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई नेवर केम अक्रॉस सच पीपल इन ऑल माई लाइफ अपॉन माई वर्ल्ड आई डिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मीट होगा MEET, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। सिक्स ऑफ यू एंड यू कांट फाइंड अ कोड दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं पुट डाउन, पुट डाउन को हम क्या देख सकते हैं, कैप डाउन, राइट, ओके। ओह यू कैन गिव इट अप, मतलब यू कैन स्टॉप डूइंग समथिंग, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, and we would all have to go down on our knees and look for it. Again, look for it is on, is in italic, okay? So again, look for it को हम क्या कह सकते हैं, search, SEARCH search कह सकते हैं। Next sentence, we would find the hammer for him and then he would have lost sight of the mark he had made on the ball. यहाँ पे lost sight को हम लिख सकते हैं नॉट बी एबल टू सी समथिंग, ओके। तो देखने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको दिख नहीं रहा है, कुछ चीज़ उनसे मिस हो गई, ठीक है, ओके। एंड दिस वन, दिस सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड मे बी आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, ओके। एंड ही वुड call us all fools one after another and tell us to get down, come down, ठीक है, नीचे अपनी नीज पे bend हो जाना, bend down or we can say, come down we can say. So, alright, this is all about Uncle Podgers, hangs the picture. I hope you understand the lesson, question answers, word meanings and the exercise. So, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेसन इन दिस अनदर वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।